मेवात इलाके में हादसे तो बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसा हादसा जिसने पूरी मेवात को रुलाकर रख दिया वो था कुलावट गांव का, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों के जनाजे उठे, जिसके बाद पूरे मेवात में मातम सा पसर गया। दरअसल ये घटना घटी आंकेड़ा चौकी के पास, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में सवार युवकों को जबरदस्त टक्कर मारी, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि इस दौरान एक ही परिवार के 6 लोगों ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जैसे ही ये खबर मेवात के युवाओं के बीच पहुंची, तो मेवात के युवा भावुक हो उठे और साथ ही सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर करते हुए कहने लगे कि ये एक ऐसा दिन है जो मेवात के लिए काला दिन है। खैर, सोशल मीडिया पर लगातार लोग ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दुख को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जब कुलावट गांव में इन 6 जनाजों को एक साथ दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसके बाद एक बार फिर से मेवाती युवाओं का दर्द छलक पड़ा। दरअसल सोशल मीडिया यूजर फेसबुक पोस्ट करते हुए अजहर बिन जाकी ने लिखा है, या अल्लाह, हम सबको इस आखिरी मंजिल की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। एक ही परिवार के 6 सदस्यों का एक साथ छोड़ जाना क्या बीत रही होगी इस परिवार पर, सोच सोच कर दिल बाहर को आ रहा है। बेशक सब्र अल्लाह ही देता है और हम सबको इसी ओर लौटना है, यही हक और सच है, बाकी सब फानी है। इसके अलावा एक और फेसबुक यूजर जोही बिलाल ने लिखा है, एक साथ एक परिवार से 6 मौत, जिनमें परिवार के 3 भाइयों की 3 बीवियों का भी इंतकाल हुआ है और उनकी माँ का भी इंतकाल और 2 छोटे बच्चों का इंतकाल हुआ है, कैसे सबर आएगा। अल्लाह पाक हम सब की अचानक की मौत से हिफाजत फरमाए। इसके अलावा एक और फेसबुक यूजर मोहम्मद अनीस ने लिखा है, एक साथ एक ही परिवार की 6 कब्रें, अल्लाह ताला अचानक की मौत से हम सब की हिफाजत फरमाए, मरहुमीन की मगफरत फरमाए, अल्लाह घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और हम सब को मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा एक और फेसबुक यूजर अकरम खान काठपुरी ने लिखा है, बस अल्लाह ही सब्र देता है, एक घर में एक ही दिन में 6 मौत हो जाना मामूली बात नहीं है, अपने और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। तो इस तरीके से लगातार मेवाती जो युवा हैं, वो अपने दर्द को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 6 कब्रों को देख करके पूरे मेवात के युवा रो पड़े हैं। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।